हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ये स्प्लेनियम क्रॉस कैंजोई फर्न इसका बारे में बात करूंगी। आज मैं इसका प्रोपगेट करके पॉटिंग भी करूंगी और इसका केयर के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। सो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा और मेरा चैनल में नया न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये फर्न हाइब्रिड वेराइटी में आता है। इसका लुक्स बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है दिखने में। इसको प्लास्टिक का जैसा दिखता है। दोस्तों, ये फर्न के लिए सुबह का मॉर्निंग का एक घंटा या दो घंटा का धूप होने से होता है। इसको ज़्यादा धूप लग गया, जो धूप आने वाला जगह होता है ना, उस जगह में रख लिया तो इसका ये जो लीव्स है ये सब मर जाता है। इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं लगता है, इसको शेडी एरिया ज़्यादा पसंद लगता है। दोस्तों, मैंने ये लगाने के लिए थोड़ा ये गार्डनिंग सोइल और कंपोस्ट मॉल रेडी किया हूँ, बाकी कुछ नहीं लगाया, इसी में लगाएंगे। बाद में जाके ये अच्छी तरह से जग जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा अच्छी तरह से बड़ा पॉट में लगाएंगे। अभी इसको सिर्फ जगना है, इसीलिए ये लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखूँगी। पानी एवरीडे देना पड़ता है, फिर ये मर जाएगा। और दोस्तों, इसका वाटरिंग का बात करना है तो दिन में एक बार चेक करके वाटर देना पड़ेगा। थोड़ा गीला हो तो दो दो दिन में दे सकते हैं, नहीं तो दिन में एक बार देना ही पड़ता है। ये इसको वाटरिंग ज़्यादा लगता है, जैसे कि सकुलेंट जैसा नहीं होता है। सकुलेंट को तो ज़्यादा वो नहीं लगता है ना वो वाटर, तो इसको इसके लिए थोड़ा ज़्यादा वाटर लगता है। एक बार चेक करके इवनिंग टाइम में बहुत अच्छा होता है। इवनिंग टाइम में देने से, उस टाइम लगाने से अच्छा होता है। तो एक बार चेक करके वाटर को दे सकते हो।
दोस्तों मैंने इसको लगा के ख़त्म किया। अब मैं इसको थोड़ा ये ट्रे में ही थोड़ा पानी जमा करके रखूँगी। इसी तरह जब तक ये जागेगा नहीं उसी टाइम तक ये ऐसा करके रखूँगी, तो थोड़ा जल्दी जग जाएगा ना। कोई टाइम अगर पानी कम हो गया तो मर जाएगा, इसीलिए मैं ट्रे में ही पानी जमा करके रखूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा आज का ये मेरा फन वाला वीडियो, कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। और मेरा चैनल में न्यू विजिट कर रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। इसी तरह आप लोगों को मैं न्यू वीडियो लेके आती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।